हाँ, तो आपने हैंड डाल दी थी एक्सेस इन प्रेशर, तो एक्सेस इन प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल, या मेन हैंड डाल दी। अब आप शॉर्ट हैंड डालिए, एक्सेस इन प्रेशर इन ड्रॉप, ड्रॉप में एक्सेस इन प्रेशर। ये एक ड्रॉप है वाटर की या किसी भी लिक्विड की, यह फुली भी है, यानी कि इनसाइड प्रेशर यकीनन ज्यादा है, आउटर प्रेशर यकीनन इसके मुकाबले कम है। इट इज प्रेशर आउटर PO, इट इज प्रेशर इनसाइड इंटरनल PI, PI इज ग्रेटर देन PO, यही कारण इसके फूलने का। एक्सेस कितना एडिशनल आ गया, PI माइनस PO, ये एडिशनल एक्सेस इन प्रेशर है। इसका फॉर्मूले का एक्सप्रेशन फाइंड करना। देखिए, इस प्रेशर के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, ये बूंद थोड़ी फैलेगी कि सरफेस टेंशन को वापस आने को करेगा, मिनिमाइज करने को करेगा, जहां बैलेंस हो जाएंगे वहां इक्विलिब्रियम आ गया। दैट्स ऑल। बैलेंस होने के लिए इस एक्सेस प्रेशर के कारण उसको जरा सा फूलना पड़ेगा और हमारे लिए वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। सपोज इसकी रेडियस है आर, और बहुत ही मामूली सा ये फूल गया, कि जब तक फूलेगा नहीं तो सरफेस टेंशन कैसे एक्टिवेट होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। dr या डेल्टा, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, इन्फिनिटली स्मॉल, सुर्खी लाइन कंसिडरिंग ए लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर्स आर PI एंड PO, ड्यू टू एक्सेस इन प्रेशर इंक्रीज इन रेडियस इज डेल्टा वेरी स्मॉल, देन एक्सेस इन प्रेशर इज इक्वल टू PI माइनस PO, फोर्स ऑन ड्रॉप देयरफॉर PI माइनस PO, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया होता पूरी सर्कल का 4πr2, एडिशनल प्रेशर है, आउटसाइड इनसाइड का बैलेंस से जितना ज्यादा अंदर वाला फालतू, प्रेशर इंटू एरिया हो गया फोर्स। इस फोर्स के कारण डेल्टा dr का डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा, तो वर्ड निकाल दो, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर वर्क डन। इतना वर्क इसने किया, कितना, जितना फोर्स लगा PI माइनस PO इंटू 4πr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चाहो तो जितनी फोर्स लगा उसी डिस्प्लेसमेंट वो एवरीवेयर, ठीक है, फोर्स जहां जहां लग रहा बाहर निकलने के लिए डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ ही हो रहा ना, तो सीधा फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, जितना एडिशनल प्रेशर अंदर है, इस एडिशनल प्रेशर के कारण इक्विलिब्रियम होने तक इतना वर्क प्रेशर कर चुका है,
और ये सारा वर्क इस बूंद में ही, इस ड्रॉप में ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब देख रहे हो ना, डेल्टा आर रेड इज बढ़ी तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ा ना। यूनिट सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो वर्क होता है सरफेस एनर्जी, जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस टेंशन के ही इक्वल होता है। फटाफट आप कितना एरिया बढ़िया ये निकाल दो, ठीक, सरफेस एनर्जी की हेल्प से कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो निकाल दो। और हम जानते हैं जो भी वर्क करा वो सारा सारा एनर्जी स्टोर में ही, एनर्जी के रूप में ही स्टोर हो चुका होगा। वर्क डन तो हमने निकाल दिया, अब निकालना है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई अलग से निकालना है, उसके लिए इंक्रीज इन एरिया चाहिए। नाउ इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया होता है स्फेरिकल का 4πr² कितना होगा फाइनल, r प्लस डेल्टा, यह फाइनल रेडियस, यह है फाइनल एरिया। अब पहला कौन सा था, 4πr², इतना एरिया बढ़िया। पहले कुछ भी ना सोच के एरिया कितना बड़ा ये निकाल दो पहले, 4π कॉमन, यहां से बचेगा -r² और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, r² प्लस डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r कैंसिल। अब यार बच्चों dr, एक बूंद कितनी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कहां से आएगा, ना के बराबर होता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, और किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर कर दो तो इतना छोटा हो जाता है कि उसको लेके कोई फायदा नहीं। डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, हेंस डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, नेग्लेक्टिंग, सो नेग्लेक्टिंग नेग्लेक्टिंग इट। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आया, 4π × ये नेगलेक्ट हो गया, 2r डेल्टा, 4 × 2 = 8πr डेल्टा, इतना एरिया बढ़ गया। प्यारे बच्चों ढंग से सुनना, ये है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कहते हैं यूनिट एरिया को बढ़ाने में कितना वर्क हुआ, हमारा एरिया बढ़ा इतना। जब यूनिट एरिया बढ़ने में इतना वर्क करना पड़ता है तो इतने एरिया बढ़ने में इसे इंटू कर दो, 8πr डेल्टा, इतना बढ़ना, इतना एरिया अगर बढ़ गया तो इतना वर्क करना पड़ा या इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें। और सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल होती है, यह अभी आपने पढ़ा, सॉरी पिछली वीडियो में पढ़ा, ठीक है, यानी इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है और इतना वर्क किया था, कहाँ गया, यस इतना वर्क किया था, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ये जो हमने वर्क किया यही तो एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होगा, दैट्स ऑल, इसे लिखेंगे। तो सब टेंशन पहले बता दिया, अगर नहीं बताया होगा तो अब बता देना, अगर पहले बता दे तो सीधा, सो एनर्जी स्टोर्ड इन ड्रॉप, और अगर नहीं बताया सब टेंशन तो अब बता देना। नाउ इफ टी इज द सरफेस टेंशन देन एनर्जी स्टोर्ड इन ड्रॉप डेल्टा ए इज दिस, इतनी एनर्जी बढ़ेगी उसकी। फिर एक स्टेटमेंट मैं लिखना हूं, सुन लेना सर, नाउ वी हैव वर्क डन ऑन ड्रॉप इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो W इज इक्वल डेल्टा E, जितना वर्क हमने किया वो उसकी बढ़ी हुई एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया।
देखो कितना बार क्या था, पी आई माइनस पी ओ इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा कितना आया टी इंटू एट पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और फोर टू जा एट, और यहां के आर से इसका स्क्वायर कैंसिल। और काम करते करते ये मत भूल जाना हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्सेस इन प्रेशर, यानी कि पी आई माइनस पी ओ। देयर फॉर पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, एक आर बचा बस यहाँ पे, वो नीचे जाएगा उसके, वहां बचा टू, फोर टू जेड हुआ था ना, टू टी अपॉन आर। टू टी अपॉन आर ये एक्सेस इन प्रेशर होगा। प्यारे बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो के एंड में हेडिंग डाली थी एक्सेस इन प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल, फिर आपने आज इसकी पहले हेडिंग डाली शॉर्ट हेडिंग एक्सेस इन प्रेशर इन ड्रॉप, इसको पार्ट ए डाल, ठीक है। पार्ट बी एक्सेस इन प्रेशर इन एयर ड्रॉप इन लिक्विड, इन लिक्विड ये एयर बबल है, चारों तरफ लिक्विड है। आर रेडियस है, इसके कारण ये थोड़ी सी फूल जाएगी, और डेल्टा आर इनसाइड प्रेशर पी आई, आउटसाइड प्रेशर पी ओ। एक्सेस इन प्रेशर सेम, सब कुछ पूरा का पूरा आर्टिकल उतार दोगे दोबारा, डायग्राम अलग बनेगा बस। क्या समानता है, पहले एयर में ड्रॉप थी तभी फोर पाई आर स्क्वायर ही एरिया कॉन्टैक्ट में था, अब एयर अंदर है बाहर लिक्विड है, अब भी लिक्विड और एयर के बीच का कॉन्टेक्ट है फोर पाई आर स्क्वायर ही है, इसलिए पूरा आर्टिकल हेडिंग और डायग्राम अलग चेंज हो जाएगा, बाकी जू का तू आएगा, ठीक है। पूरा उतार दोगे दोबारा, पार्ट बी सेम एज पार्ट ए मत कर देना लिख के, पूरा उतार देना दोबारा, डायग्राम अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी, बस फॉर्मूला सेम हो जाएगा। पार्ट सी ढंग से सुनना, ये होमवर्क आपको ऐसा मिल रहा है जो बहुत कुछ आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। ये हिल गया दिख रहा है सारा, हाँ दिख रहा है। पार्ट सी एक्सेस इन प्रेशर इन इन वाटर बबल, लिक्विड बबल, लिक्विड बबल, ठीक है। ये रहा बबल, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, रेडियस आर, इनसाइड प्रेशर पी आई, आउटर प्रेशर पी ओ, सम इंक्रीमेंट, इनिशियल रेडियस आर एंड इंक्रीजेस डेल्टा आर, एक्सेस इन प्रेशर जू का तू, सब कुछ जू का तू, वर्डन बिल्कुल ऐसे का ऐसी, इंक्रीज इन एरिया पे फर्क पड़ जाएगा पार्ट सी में प्यारे बच्चों, क्योंकि बबल का मैटर अलग हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर तो बाहर की तरफ से एयर के कांटेक्ट में है,
और अंदर भी एयर ही है, अंदर भी इतना एयर और कॉन्टैक्ट में है, डबल एरिया का फर्क पड़ेगा प्यारे बच्चों। बस इतना फर्क रहेगा पार्ट सी में। तो पार्ट सी में मैं यही करेक्शन करता हूँ, आपको दोबारा करना पड़ेगा पूरा पूरा, इंक्रीज इन एरिया से चेंज होगा, जू का तू करके इंटू टू कर देना लास्ट में बस, कि इतना ही एरिया बाहर के साथ साथ अंदर का भी बढ़ रहा है। और उसके बाद 4π बाहर ले लोगे, बाहर से 2 पहले से ही है, ये हो जाएगा 8π। ठीक है प्यारे बच्चों, 8π और 8 × 16π, और जी यहां पे आ जाएगा 16, यहां पे आ जाएगा 16, और 4 × 8 नहीं, 4 × 16 और 40/r। अच्छे बच्चे हो, मैनेज कर लोगे। और इसके साथ ही फ्लूट इन रेस्ट समाप्त। ओके, अटेंडेंस के तौर पे जो भी आपको अच्छा सा वर्ड लगे वो लिख के भेज दें, उसी वीडियो के लिए जो मैंने उसमें बता दिया था, इस वीडियो के लिए जिसमें आपको अच्छा लगे। और तैयार रहें, फ्लूट इन मोशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।